everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में. पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोड ऑफ अकरेंस को समझा कि मिनरल्स किन किन तरह से पाए जाते हैं. वेन्स, लोड्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, बेड्स के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन में यह भी बताया था कि मिनरल्स जो हैं, तो मिनरल्स कुछ एनर्जी मिनरल्स होते हैं, कुछ मेटालिक मिनरल्स होते हैं. मेटालिक में भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ मतलब मेटालिक भी होते हैं, नॉन मेटालिक. अब मेटालिक में भी फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं. ये सारी चीजें हमने क्लासिफिकेशन में देखी थी. तो अगर अब हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फेरस मिनरल्स मतलब बहुत सिंपल सी चीज, वो सारे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है. फेरस मतलब आयरन कंटेंट, ठीक है? तो फेरस मिनरल्स मतलब वो सारे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है. तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, यहां पे दो मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयरन ओर के बारे में और मैंगनीज के बारे में. एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको फायदा यह रहेगा कि सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है और ये सारी चीजें, क्लियर? उसी के साथ साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपको बहुत सारी चीजें एक्सक्लूसिवली मिल सकती हैं, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है. जैसे क्या होता है, लाइव टेस्ट होते हैं, उसके अलावा स्पेशल क्लास जैसे प्रोविजन होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं. तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है? और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सिर्फ एक पासकोड यूज करना होगा, DIGRAJ, दिगराज. चलिए, तो अब हम आयरन ओर की अगर बात कर रहे थे तो देखिए, यहां पे आयरन ओर और मैंगनीज दो फेरस मिनरल्स पढ़ेंगे. वैसे फेरस मिनरल्स बहुत सारे हैं, हम दो फेरस मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स की, तो इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स. तो जितना भी कंट्री के अंदर मेटालिक मिनरल, मतलब जो धातु प्रोड्यूस हो रही है ना, मेटल वाली, उस पूरे मेटालिक मिनरल का 3/4 लगभग जैसे अगर आप कहेंगे तो 75% जो मिनरल्स, जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो फेरस होते हैं, ठीक है? फेरस मतलब उनके अंदर आयरन कंटेंट रहता है. दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलॉजिकल इंडस्ट्री. मेटलॉजिकल इंडस्ट्री मतलब वो सारी इंडस्ट्री जहां पे मेटल का इस्तेमाल हो रहा हो, मेटल के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है? तो देखो, अब क्या दिखती बात है कि अगर आपको कोई मेटल प्रोड्यूस करना है तो मेटल के अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए. और मेटल के अंदर स्ट्रेंथ कब आएगी, जब उसके अंदर, जब वो एक फेरस मिनरल होगा, जब उसके अंदर आयरन कंटेंट होगा, ठीक है? तो इस कंटेक्स्ट में जो फेरस मिनरल्स होते हैं, फेरस मिनरल्स जो होते हैं, तो दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू द मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज. दो फेरस मिनरल्स पढ़ेंगे, आयरन ओर और मैंगनीज. आयरन ओर मतलब क्या है, अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया था कि मिनरल्स ऐसे नहीं है कि रोड पर जा रहे हो मिनरल्स मिल जाएंगे आपको उठा लो, ठीक है? वो क्या होते हैं, वो डर्ट के साथ आते हैं, डस्ट के साथ में आते हैं, उनके साथ में आप देखेंगे तो बहुत सारा अनवांटेड पार्टिकल भी होता है, जिसे आप क्या करते हो, जिसे आप कह सकते हैं कि जो रिफाइनिंग वाली प्रोसेस रहती है उसमें कचरा निकाल देते हो सारा, ठीक है? मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ना. तो वैसे आप जैसे देखोगे तो आयरन आपको कहां से मिलता है, आयरन ओर से, ठीक है? उस आयरन ओर में से आप डर्ट, डस्ट सारी चीजें निकाल के कोर आयरन जो रहता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? तो आयरन ओर की अगर बात करें तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब क्या होता है, ये आयरन ओर अपने आप में सिर्फ मिनरल नहीं है, ठीक है? इट इज वन ऑफ द बेसिक एंड वेरी एसेंशियल मिनरल. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ना, अब इंडस्ट्रीज हवा में थोड़ी ना बनेगी, इंडस्ट्रीज के लिए आपको एक बेस चाहिए रहेगा. अब बेस के लिए आपको मेटल चाहिए रहेगा और वहां पे आयरन जो है मोस्ट इफेक्टिव मेटल बनता है, ठीक है? तो इस तरह से आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. गेटिंग द आइडिया, ठीक है? समझ में आया क्या पॉइंट है? इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इन आर कंट्री, ठीक है? तो अब क्या है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर में, देखो आयरन की दो तरह के यहाँ पे आपको क्या बताया गया, दो टाइप ऑफ आयरन ओर बताए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेंट, ठीक है? तो दो तरह के आयरन ओर है, एक है मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट. अब सुनो मेरी बात, आगे आप कोल भी पढ़ोगे, ठीक है? अभी आप आयरन भी पढ़ रहे हो, तो इनके जो डिविजन है इन्हें ध्यान रखना. क्या होता है कि कभी कभी बहुत इंटरनल क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? आई एम गिविंग यू द हिंट दे रहा हूं, इस हिंट को लेके चलना साथ में, ठीक है? अब मैग्नेटाइट आयरन ओर जो होता है, जैसे बताया ना आयरन क्या है, आयरन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का काम करता है. इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, ये सारी चीजें हैं. तो अब जैसे मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो एक आयरन ओर क्या है, मैग्नेटाइट है, तो इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, ठीक? मतलब मैग्नेटाइट अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है, मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, ठीक है? वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. तो अब जैसे जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है
उन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि आपको क्या चाहिए रहता है, गुड क्वालिटी ऑफ आयरन चाहिए रहता है, तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटाइट की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो कंटेंट है, तो कंटेंट वाइज अगर जैसे देखेंगे तो हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो इस आयरन ओर में, मैग्नेटाइट आयरन ओर में, जैसे आपने मैग्नेटाइट आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया माइनिंग के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 70% आपको आयरन कंटेंट मिलेगा, 30% वेस्ट मिलेगा। तो गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज मैग्नेटाइट आयरन ओर, ठीक है। मैग्नेटाइट आयरन ओर के रिजर्व्स हमारे यहाँ रिलेटिवली कम है, ठीक है, मैग्नेटाइट आयरन ओर के रिजर्व्स रिलेटिवली कम है। एक तो मैग्नेटाइट हो गया, दूसरा क्या है, हेमेटाइट। अब हेमेटाइट को अगर जैसे देखोगे आप, तो हेमेटाइट में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, ठीक है, क्वांटिटी यूज। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है तो कम है रिलेटिवली, क्वांटिटी की अगर बात करें तो हेमेटाइट ज्यादा है, और हेमेटाइट को इसीलिए क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा हेमेटाइट ही यूज किया जाता है। इट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट, 50-60%, ठीक है। तो मैग्नेटाइट की कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो हेमेटाइट का जो आयरन ओर होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है, 50-60% होता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो आयरन ओर, ठीक है, दोनों ही आयरन ओर के टाइप्स आपको समझ में आ गए। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे भी इस पाई चार्ट में, तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या हो गया, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आयरन ओर, 52% ऑफ द कंट्रीज टोटल आयरन ओर इज प्रोड्यूस्ड इन ओडिशा, ठीक है, 2016-17 के डेटा के हिसाब से ये क्लियर हुआ। और आप जैसे देखेंगे तो ओडिशा वाला रीजन जो है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया वाला जो रीजन है ना, उसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखो बहुत सारे मिनरल्स, अभी आयरन देख रहे हो, आगे और एग्जांपल में देखना तो मैंगनीज वगैरह भी ओडिशा और उन क्षेत्र में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, आयरन ओर देख लिया। अब ये तो आपने क्या देखा, ये आपने आयरन ओर के कुछ फीचर्स देख लिए, टाइप देख लिया, ये सारी चीजें। अब एक पार्ट यहाँ पे ये भी आता है कि आयरन ओर पाया कहाँ जाता है, ठीक है, आयरन ओर पाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आयरन ओर बेल्ट्स के बारे में बताया गया है। अब देखो ये बेल्ट मैप पे नहीं आएंगे, ठीक है, मैप प्लॉटिंग पे जो आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क के लिए आना है, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट में जरूर आएगा लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क के लिए आना है। तो मैप वर्क सारा मैं आपको बताते चलूंगा साथ साथ में, उसके लिए अलग सेशन भी ले लेंगे हम, लेकिन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली तो फिर कुछ छोड़ के ना जाए हम, ठीक है। तो अब जो मेजर आयरन ओर बेल्ट है ये ध्यान रख लेना, कंट्री में चार मेजर आयरन ओर बेल्ट है, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4। अब चारों मेजर आयरन ओर बेल्ट जो है, तो उनके नाम से थोड़ा सा वहां कौन सा आयरन ओर कहां पाया जाता है और कुछ अगर फीचर है तो वो सारी चीजें भी हम सीखते चले, ठीक है। तो चार मेजर आयरन ओर है, आयरन ओर बेल्ट है। पहला क्या है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, ओडिशा और झारखंड के बीच का जो बेल्ट है, देखो तो ये रहा, ठीक है, ये आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट है, यहाँ पे देख गया, तो मयूरभंज हो गया, ठीक है, गोवा, ये जो रीजन है ये क्या है, ये ओडिशा झारखंड बेल्ट, मतलब ओडिशा और झारखंड की बॉर्डर पे आपको वाला बेल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या देखो, तो इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड, मैंने बताया ना हेमेटाइट ओर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, इन बादाम पहाड़ माइंस इन दी मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो केंदुझार डिस्ट्रिक्ट और बादाम पहाड़ माइंस, यहाँ पे ओडिशा में आपको हाई क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट आयरन ओर मिल जाएगा। फिर क्या है, इन दी एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, ओडिशा से लगा हुआ झारखंड है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोआमुंडी, ठीक है, तो गोवा और गोवा वाला गोवा नहीं है, ठीक है, ये दूसरा वाला गोवा है, तो गोवा एंड नोआमुंडी, ये दो, और मतलब ऐसे जो आपको नाम भी सारे ध्यान नहीं रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए पढ़ते चलो कि छूटे ना कुछ, ये ऑब्जेक्टिव है। और इस पार्ट से ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कम देखे हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना पेपर का लेवल टफ करना होता है एग्जामिनर को, तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लियर हुआ। तो इन दी एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो गोवा झारखंड बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट जो है, तो ओडिशा झारखंड बेल्ट में आपको झारखंड और ओडिशा दोनों ही रीजन में कहां कहां किन किन एरियाज में, बादाम पहाड़ रीजन हो गया, मयूरभंज रीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे आप देखोगे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इन रीजन में आपको क्या मिलता है, आयरन ओर मिल जाता है, एक बेल्ट ये हुआ, ठीक। ये बेल्ट समझ में आ गया कहां है, तो ये रहा आपके बुक का ही मैप है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आयरन ओर बेल्ट हो गया पहला। दूसरा कौन सा है, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहां पे है, तो दुर्ग बस्तर कहां आ गए, दुर्ग बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ रीजन जो है वहां की बात की जा रही है। तो यहां पे आपको वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब देखो क्या होता है, हर जगह की जो रीजनल लैंग्वेज रहती है ना, वो रीजनल लैंग्वेज से आपको क्या है, उस जगह के नाम मिल जाएंगे। अब बेलादिला, ठीक है, बेलादिला मतलब क्या होता है, जैसे एक बैल होता है ना, ये तो बैल का जो हम्प होता है,
ठीक है। बैल का ये जो ऊपर हम्प होता है, इस हम्प की तरह दिखने वाला एक क्या है, पहाड़ है। इस कारण से बेलादिला रेंज हो गई वो। तो बेलादिला रेंज में आपको क्या देखने को मिलता है, हेमेटाइट, हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिल जाएगा, जो कि दुर्ग बस्तर मतलब वो पूरा छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट आ गया, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर महाराष्ट्र, ठीक है, उस बेल्ट में आ गया ये। तो वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्या मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएगा, हेमेटाइट आयरन ओर मिल जाएगा। इट हैज बीन फिजिकली इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, ठीक है। अब स्टील मेकिंग के लिए जो क्वालिटी चाहिए रहती है, ठीक है, बेस्ट फिजिकल क्वालिटी आपको इसी बेल्ट में मिलेगी। यहाँ का जो आयरन ओर बेल्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको स्टील के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए रहते हैं, ओर चाहिए रहता है, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर क्या है, आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बेल्ट है, ठीक है, जो हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है पूरा, इस बेल्ट के पास में पोर्ट कौन सा आ रहा है, इस बेल्ट के पार्ट में पास में पोर्ट आ रहा है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से इधर जाओगे तो जापान साउथ कोरिया सब इधर ही आना है ईस्ट में। तो इस बेल्ट से जो भी ओर एक्सट्रैक्ट होता है वो विशाखापट्टनम वाया विशाखापट्टनम पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब क्या हो रहा है ना कि देखो चीजें इंटरलिंक करके पढ़ना हमेशा। आप विशाखापट्टनम पोर्ट यहां पढ़ रहे हो, विशाखापट्टनम पोर्ट चैप्टर 7 में भी पढ़ोगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, तो एक बार पढ़ोगे फिर एक बार पढ़ोगे, तो इससे बेहतर ही है कि एक बार पढ़ो यहीं पढ़ लो खत्म कर दो, ठीक है। तो ये पोर्ट्स जो है आपको ध्यान देना चाहिए कि विशाखापट्टनम पोर्ट्स किसके पास में, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के पास में। जैसे अगर वही बात आ जाती है किस चीज की कि जो हमारा ओडिशा झारखंड वाला बेल्ट है तो उसके पास में पोर्ट कौन सा आ गया, पैराद्वीप आ गया, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग, हाउ यू आर कनेक्टिंग द थिंग्स। जितनी आसानी से चीजों को जोड़ पाओगे उतनी आसानी से याद पाओगे, नहीं तो सिर खुजाते रहोगे, ठीक, ये कहानी है। अब अगर एक और बेल्ट की बात करें हम, ठीक है, तो इसके बाद अगला बेल्ट जो है, जो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, क्या है, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट, ठीक है। अब ये बेल्ट कहां पे, तो ये रहा आपका बेल्ट, देखो बेल्लारी, ठीक है, चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट, क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो है तो आंध्र प्रदेश से लग रहा है, कर्नाटक से लग रहा है, कर्नाटक वाला मेन रीजन जो है वहां पे आपको यार बेल्ट देखने को मिल जाएगा। अगेन यहां पे भी आपको बहुत अच्छा आयरन ओर मिल जाता है। तो द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। अब ये वाला जो बेल्ट है ना आपका बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट, तो इस बेल्ट में कुद्रेमुख माइंस है। अब कुद्रेमुख माइंस, अगेन कुद्रेम इन कन्नड़, अब कर्नाटका में ना कन्नड़ लैंग्वेज चलती है, तो कन्नड़ लैंग्वेज के हिसाब से कुद्रे का मतलब क्या होता है, हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। तो वो जो पहाड़ है कुद्रेमुख माइन का, तो वो उसका चेहरा घोड़े की तरह दिखता है, तो कुद्रेमुख, ठीक है, हॉर्स फेस की तरह वो रिजेंबल होता है, इस कारण से कुद्रेमुख माइंस हो गया। तो अब खैर यहाँ पे बात क्या है कि कुद्रेमुख माइन जो है ना, तो देखो एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे बन गया कि कौन सी एक ऐसी माइन है जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट की तरह इस्तेमाल की जाती है, मतलब यहाँ से जितना भी मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो सारा का सारा विदेश पहुंचा दे रहे हैं हम। कौन सी माइन है, कुद्रेमुख माइन है। बेल्ट कौन सा है, तो बेल्ट हो गया बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना। अब क्या है, देखो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो कुद्रेमुख माइन भी है ये, और कुद्रेमुख माइन के बाद में जैसे पोर्ट्स की अगर हम बात करें, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये पोर्ट हो गया आपका यहाँ पे। तो ये कौन सा पोर्ट है, ये पोर्ट है यहाँ पे मैंगलोर पोर्ट, तो मैंगलोर पोर्ट पास पड़ता है, मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते चलना, क्लियर हुआ। तो द कुद्रेमुख माइन्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंगलोर पोर्ट जो है, मैंने आपको भी बताया यहाँ पे जस्ट 2 सेकंड पहले कि मैंगलोर पोर्ट यहाँ है। अब माइन और ऐसा तो नहीं कि पोर्ट और माइन एकदम आजू बाजू में बैठे हैं। अब माइन से पोर्ट तक किस तरह से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है पता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्लरी बनाया जाता है उसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, यही चीज आप चैप्टर 7 में भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जब मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो एक ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन भी होता है, मतलब इंसान थोड़ी ना जो पाइपलाइन में जाने से मना बोल देगा, ठीक है। आगे देखना भविष्य में ये भी हो जाएगा कि जो हाइपरलूप वगैरह में ट्रांसपोर्ट करोगे तो आप भी पाइपलाइन में ट्रैवल करोगे, लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं, आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने की। तो आयरन ओर को इस साइड से डाला जाता है पाइपलाइन में, उस साइड से निकाल लिया जाता है स्लरी बना के, मतलब पानी के साथ उसको पोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है और पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंगलोर पोर्ट हो गया इस आयरन ओर फील्ड के पास में, क्लियर हुआ, इस आयरन ओर फील्ड के पास में, क्लियर। अगला क्या है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अगेन द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र और गोवा का बेल्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में ही आपने ये देख लिया कुद्रेमुख माइन वाला बेल्ट, और वैसे ही यहां पे आपके आ गया महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आ गया, ठीक है। तो दो दी ओर्स, ठीक है, दो दी ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी,
yet they are efficiently exploited. ठीक है, उतने अच्छी क्वालिटी का ओर तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, जो है जैसा है निकाल लो फटाफट, वो वाली कहानी है यहाँ पे. आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मगांव पोर्ट. अब इस बेल्ट के पास में जैसे अगर आप देखोगे तो गोवा महाराष्ट्र बेल्ट है. गोवा महाराष्ट्र बेल्ट में आपको यहाँ पे मार्मगांव पोर्ट दिखेगा. ठीक है, तो इस मार्मगांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है. अब आपने चार पोर्ट के नाम ध्यान कर लिए, मार्मगांव हो गया, मैंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पैराद्वीप. चैप्टर 7 में आपको दिक्कत नहीं आएगी जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, द पॉइंट इज अगेन यू हैव टू कनेक्ट दी थिंग्स. क्लियर हुआ? चलो, तो ये चारों बेल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया. चारों बेल्ट मैप पे प्लॉट भी कर लिया हमने. पहला बेल्ट हमने यह देख लिया, ओडिशा झारखंड बेल्ट. फिर क्या है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हो गया. ठीक है, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट हो गया ये. और ये हो गया आपका चौथा बेल्ट, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट. ठीक है, और ये चारों बेल्ट के आसपास पोर्ट से इंपोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, आयरन ओर को, जो भी आयरन ओर यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. 100% एक्सपोर्टिंग यूनिट कौन सा है हमारा, 100% एक्सपोर्टिंग आयरन ओर बेल्ट जो है तो ये वाला है, कर्नाटक वाला, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर टुमकुर बेल्ट. क्लियर हुआ? तो ये आपने आयरन ओर के बारे में पढ़ लिया, आयरन ओर बेल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, उनसे जुड़े हुए पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है वो फेरस मिनरल्स है. ठीक है, तो फेरस मिनरल्स में एक तो आयरन ओर हो गया जिसके अंदर आयरन कंटेंट है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मैंगनीज. ठीक है, तो दूसरा जो आपका फेरस मिनरल्स है, जो मिनरल की कैटेगरी में आएगा जो आप पढ़ने वाले हैं, वो है मैंगनीज. मैंगनीज का इस्तेमाल क्या होता है, मैंगनीज स्मेल्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है. अगेन कनेक्ट करो, अब आप चैप्टर 6 पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ोगे. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और स्टील को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है. तो स्मेल्टिंग में क्या है, आयरन ओर भी लगता है, लाइमस्टोन भी लगता है, और लाइमस्टोन के साथ में मैंगनीज भी लगता है. ठीक है, तो मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एक फेरस मिनरल है जो स्मेल्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, स्टील वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय. अलॉय की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो अलॉय मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मेटल्स को मिला के, आप दो अलग अलग धातुओं को मिला के एक धातु बनाते हैं ना, वो अलॉय हो गया आपका. ठीक है, तो फेरो मैंगनीज अलॉयज वगैरह जो बनाए जाते हैं, जैसे आयरन बनाते समय भी मैंगनीज मिलाया जाता है, स्टील के प्रोडक्शन में स्मेल्टिंग प्रोसेस में मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर आयरन कंटेंट रहता है. क्लियर हुआ? तो मैंगनीज हो गया. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. ठीक है, 1 ton of steel को produce करने में 10 kilo आपको manganese लगेगा smelting process में. Smelting process में इसका एक important role रहता है. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. तो अब जैसे पेंट घर में पुताई होती है ना, जब पेंट का जो डब्बा है तो उसमें देखना कंटेंट क्या क्या है, उस कंटेंट में आपको मैंगनीज भी देखने को मिल जाएगा. अलग अलग मिनरल्स जो होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप कभी भी, अब आपने पढ़ लिया ना मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, अब जब भी घर में पुताई हो तो डब्बे में पीछे देखना कंटेंट क्या क्या है, उसमें मैंगनीज भी मिलेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेंट्स हो गए, ब्लीचिंग पाउडर हो गए, इन सारी चीजों में भी मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है. मैंगनीज के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश 27% मैंगनीज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ओडिशा में 25, महाराष्ट्र में 25. तो अगेन वही सेंट्रल इंडिया का वो वाला जो डेक्कन प्लेट कह सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाला जो रीजन है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स वाला जो रीजन है, वहां आपको मैंगनीज का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा. समझ में आई मेरी बात? सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेरस मिनरल्स. अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे. तो फेरस मिनरल्स हो गए आपका, फिर नॉन फेरस मिनरल्स, तो एक एक करके सारे मिनरल्स को पढ़ते चलते हैं. मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां पे समझ में आई हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं. टुगेदर वी कैन, वी विल. थैंक यू वेरी मच.